नमस्कार, मैं हूं गोविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं TSH न्यूज। अगर हमसे या आपसे अगर कोई भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों की बात करे तो हमारी जुबान पे कुछ ही नाम आते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आदित्य बिरला। लेकिन क्या आपको पता है ये वो लोग हैं जिनको विरासत अपने पूर्वजों की मिली है और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे उद्योगपति की जिसने अपने दम पर अपना व्यवसाय शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन को देखते ही बहुत ही कम समय में भारत के सबसे कामयाब उद्योगपति बने। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दशक के सबसे कामयाब उद्योगपति गौतम अडानी की। आज अडानी के पास 4 हेलीकॉप्टर हैं। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भी उनके चॉपर का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए वह भुगतान भी करते हैं। जहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो भी उनका हेलीकॉप्टर कोई फ्री में नहीं, शुल्क अदा कर इस्तेमाल करते हैं। बात सन 1980 के दशक की है। उस वक्त अडानी अपने अहमदाबाद शहर में बचपन के साथी मलय महादेविया के स्कूटर पे पीछे बैठे लोगों को दिखाई दिया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी की कमजोर लेकिन महादेविया की अच्छी इंग्लिश भी रही। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचने की अरबपति कामयाबी हासिल की है। माली हालत खराब होने से ही उनके पिता अहमदाबाद के पोल इलाके की शेठ चौक में रहते थे। आज उनका कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन पारेषण तक फैला हुआ है। इस वक्त वह लगभग 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उन्होंने खुद का बीचक्राफ्ट जेट 2005 और हॉकर जेट 2008 में खरीदा था। उन्होंने यह सब महज 3.5 दशक में हासिल किया है। अडानी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया है। वह शुरू से ही मेहनती और प्रतिभा संपन्न थे। बमुश्किल उस कंपनी में डायमंड स्मार्ट महिंद्रा बॉस में साल दो साल ही उनके पांव थमे। नौकरी छोड़कर झावेरी बाजार में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। वर्ष 1981 में मनसुख भाई ने प्लास्टिक की एक यूनिट अहमदाबाद में लगाई तो गौतम अडानी को कंपनी चलाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बड़े भाई की PVC यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाया। वर्ष 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की। ऐसे ही कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यवसायिक सफ़र शुरू किया था और आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, 4 हेलीकॉप्टर, 3 बम्बोर्डियर चीफक्राफ्ट विमान हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में सबसे बड़ी करीब 16.6 अरब डॉलर की लागत वाली कोयला खदान में एक खनन का अवसर मिला है, जिसके लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लगभग 1 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया है। मध्य प्रदेश में भी उनका एक हीरा खदान का प्रोजेक्ट भी आजकल मीडिया की सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप और अरबपति अनिल अग्रवाल के नियंत्रण वाले वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप मिलकर 59,000 करोड़ के डायमंड प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाने वाले हैं। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफल में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है। खास तौर से नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको तरह तरह के उलाहनों और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था, अडानी की पर्सनल वेल्थ लगभग 5 अरब डॉलर थी, जो आज ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक 63,000 करोड़ रुपये हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए TSH न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल TSH न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TSH न्यूज़, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं।